20 फरवरी 2024 महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पेश किया, जिसका सभी सदस्यों ने एक मत से समर्थन किया। बिना किसी विरोध के ये बिल विधानसभा से पास हुआ और करीब 4 दशकों से अधिक का संघर्ष कानून बनने की ओर बढ़ गया। बिल में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लोगों को 10% आरक्षण देने का प्रावधान है। इस बिल को पास करने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया था। बिल पास हुआ तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसे ऐतिहासिक और साहसिक बताया। बिल पास होने की खुशी में वो समर्थकों के साथ रंग गुलाल उड़ाते भी नजर आए। लेकिन इस मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू करने वाले मनोज जरांगे पाटिल अभी भी हड़ताल पर हैं। जरांगे ओबीसी कोटे में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जबकि शिंदे सरकार ओबीसी कोटे में आरक्षण की बजाय सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर 10% आरक्षण का प्रावधान लेकर आई है। यहां आपको बता दें कि ये वही मनोज जरांगे पाटिल है जिनके हड़ताल के दबाव में शिंदे सरकार मराठा आरक्षण बिल लेकर आई है। वहीं दूसरी तरफ ओबीसी समुदाय के कई नेताओं ने अपने कोटे में मराठा आरक्षण का खुला विरोध किया है और सरकार को चेतावनी भी दी है। ऐसे में सरकार का ये बीच का रास्ता कितना सफल होगा, ये सवालों के घेरे में है। सवाल ये भी कि जरांगे मराठा को ओबीसी कोटे में शामिल करने की मांग क्यों कर रहे हैं और क्यों ओबीसी समुदाय के नेता इसका विरोध कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या है मराठा वोट बैंक पॉलिटिक्स, मराठा रिजर्वेशन से किस पार्टी को होगा फायदा और किसका हो सकता है नुकसान। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन का इतिहास काफी पुराना है। 4 दशकों में 2 बार मराठा आरक्षण लागू करने की कोशिश की गई, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये खारिज हो गया। 2014 में पृथ्वीराज चव्हाण के नेतृत्व वाली कांग्रेस एनसीपी सरकार ने 16% मराठा रिजर्वेशन देने का फैसला किया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। बाद में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में शिवसेना बीजेपी की सरकार बनी और एक कमेटी बनाई गई। कमेटी ने एक नई कैटेगरी सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग बनाकर मराठाओं को आरक्षण देने का प्रस्ताव दिया। फडणवीस सरकार ने 2018 में 16% मराठा आरक्षण को मंजूरी दी, लेकिन एक बार फिर से पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सरकारें बदलती रहीं, इधर मराठा आरक्षण को लेकर धरना चलता रहा। जनवरी 2024 में मनोज जरांगे पाटिल का प्रदर्शन तेज हुआ। वो भूख हड़ताल पर बैठ गए और पानी तक छोड़ देने का ऐलान किया, जिसके बाद दबाव में आई सरकार ने एक बार फिर से कमेटी बनाई और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नया बिल पास हुआ। ये तो हो गई इतिहास की बात, अब आते हैं राजनीति पर। मराठा समुदाय की महाराष्ट्र की राजनीति में क्या महत्व है, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि मराठा आरक्षण बिल का किसी भी पार्टी ने विरोध नहीं किया। सबने एकमत से इस बिल का समर्थन किया। बीबीसी में छपी एक खबर बताती है कि 1991 की मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक मराठों की आबादी 33% है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक मराठा समुदाय को एनसीपी शिवसेना का वोटर माना जाता है। इन दोनों पार्टियों का सियासी आधार इसी समुदाय से है। मराठा समुदाय अच्छा खासा सामाजिक और राजनीतिक प्रभुत्व भी रखता है। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठाओं का दबदबा रहता है। मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार दोनों मराठा समुदाय से आते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का आधार ओबीसी वोट बैंक है। बीबीसी में छपी खबर के मुताबिक राज्य में ओबीसी समुदाय की आबादी करीब 52% है। अब ओबीसी समुदाय का डर ये है कि मराठा समुदाय पहले से ही सामाजिक और राजनीतिक प्रभुत्व संपन्न है, अगर वो ओबीसी कोटे में आ गए तो इससे ओबीसी की हिस्सेदारी कम हो जाएगी। यही वजह है कि एनसीपी नेता छगन भुजबल समेत कई ओबीसी नेताओं ने ओबीसी कोटे के अंतर्गत मराठा आरक्षण का विरोध किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मराठा समुदाय को अलग से 10% आरक्षण का तो किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन मनोज जरांगे की जो मांग है मराठा को ओबीसी कोटे में आरक्षण की, उसका कई नेताओं ने खुला विरोध किया। कई ओबीसी संगठनों ने तो मनोज जरांगे की ही तरह हड़ताल पर बैठने की चेतावनी भी दे डाली। अब अगर सरकार मनोज जरांगे पाटिल की ओबीसी कोटे वाली मांग को मानती तो जाहिर सी बात है इसका सीधा नुकसान भाजपा को होता, क्योंकि ओबीसी को बीजेपी का समर्थक माना जाता है,
यही वजह है कि शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार गुट की एनसीपी के साथ सरकार चला रही बीजेपी ने ओबीसी कोटे के साथ कोई छेड़छाड़ न करने का फैसला किया है। इस तरह से बीजेपी ने न केवल अपने परंपरागत वोट बैंक का भरोसा बनाए रखा बल्कि मराठा रिजर्वेशन देने का क्रेडिट भी लेना शुरू कर दिया है। हालांकि केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि पक्ष विपक्ष की सभी पार्टियां मराठा आरक्षण को अपने संघर्ष का नतीजा बता रही हैं और क्रेडिट लेने की होड़ में हैं। अब जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए लोकमत हिंदी।